को कहां कमी नजर आई? देखिए अनन्या, एक शानदार मैच था ये, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी की है साउथ अफ्रीका ने, और ये हम सभी जानते हैं कि उनका बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है, और उसी का वजह मैं कहूँगा एक रही कि भारत ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया। और एक समय जब जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से, तो ऐसा लग रहा था कि पिच से भी काफ़ी मदद मिल रही है उनको, लेकिन जब भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी करने आए, अगर आप बात करें भुवनेश्वर कुमार की और कुछ हद तक आवेश खान की, उनके अलावा कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैटिंग में भारत को कम से कम 25 रन हम शॉर्ट रहे। सबा करीम हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी जो गेंदबाज थे वो कहीं ना कहीं काम करते नजर, यानी ये कहा जा सकता है कि वो फेल नजर आए, इसके पीछे क्या वजह, क्या मानते हैं, गेंदबाजी ही वजह है हार की? सबसे बड़ी वजह तो ये है आनंद, कि जिस प्रकार के रन बनाने चाहिए थे इस विकेट को उतना हम बना नहीं पाए। राजकुमार शर्मा जी ने सही कहा, मुझे मेरे हिसाब से 15-20 रन हम लोगों ने कम बनाए। मैं मानता हूँ कि पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी आज भारत को, और विकेट थोड़ा बहुत कठिन था, थोड़ा ट्रिकी विकेट था, बाउंस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं था, उतना आसान नहीं होता है इस प्रकार की परिस्थिति में बल्लेबाजी करना। पर मध्य क्रम फिर से इस बार कोई ज़्यादा रन बना नहीं पाया। अंत में दिनेश कार्तिक ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जिसके बदौलत भारत 148 रन बना पाया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भी कठिन होगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले स्पेल में 3 विकेट ले लिया था, पहले 10 ओवर तक 3 विकेट गिर चुके थे दक्षिण अफ्रीका के, उसके बाद उनको करीब 10 रन बनाने थे प्रति ओवर मैच जीतने के लिए। पर अंतिम के जो 10 ओवर हैं वो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के नाम रहे, एक बड़ा ही कंप्लीट प्रदर्शन रहा, विशेष करके हेनरिक क्लासन और बवुमा ने जिस तरह की साझेदारी निभाई, और अंत में आकर डेविड मिलर ने शानदार तरीके से मैच को फिनिश कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि दूसरे छोर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था गेंदबाजों को वो मिल नहीं पाया, विशेष करके दो स्पिनर्स एक बार फिर से आज महंगे साबित हुए, युजी चहल और अक्षर पटेल। पर अंत में ये मानना होगा कि हम लोगों ने रन थोड़े बहुत कम बनाए आज। सबा सर, आप हेनरिक क्लासेन की तूफानी पारी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे, जिनकी पारी ने भारतीय टीम को मैच में वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया? आप दोनों से मेरा सवाल, सबसे पहले सबा सर। देखिए, ये जिस तरह का विकेट था उतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करना, तो बहुत ही समझदारी के साथ हेनरिक क्लासेन ने अपनी शुरुआत की थी। पहले 10 गेंद उन्होंने जो खेली उसमें सिर्फ 3 या 4 रन ही बनाए, उसके बाद उनको लगने लगा कि अब विकेट को समझ में आ रहा है, और उसके बाद ही उन्होंने सही प्रकार से वार किया हर एक बॉलर्स के विरुद्ध, अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, या फिर युजी चहल क्यों ना हो। तो बेहतरीन पारी रही, अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का, T20 करियर का सर्वाधिक रन उन्होंने बनाया, और उसके साथ साथ जो साझेदारी निभाई वो एक तरह से कमर तोड़ दी भारतीय टीम के। और अंत में देखने वाली बात ये भी है कि 10 गेंदें बची हुई थी तब, उसके पहले ही दक्षिण अफ्रीका ने मैच खत्म कर लिया, तो ये दर्शाता है कि हेनरिक क्लासेन की जो बल्लेबाजी रही है उसका महत्व कितना ज्यादा रहा आज के इस मैच में। बिल्कुल, और वो नजर भी आया कहीं ना कहीं। लेकिन राजकुमार सर, हम सब ने देखा युजवेंद्र चहल आईपीएल में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम में आते ही चहल का सारी चालों पर बल्लेबाज पानी फेर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये दूसरी हार है। देखिए, आपने ठीक कहा अनन्या कि शानदार गेंदबाजी की उन्होंने आईपीएल में, लेकिन आईपीएल एक डिफरेंट बॉल गेम है, वहां पे आप एक फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और सामने मतलब एक डिफरेंट तरह के बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक नेशनल टीम है और वो भी एक शानदार टीम है साउथ अफ्रीका की, जो कि बहुत बैलेंस टीम है और बहुत उनकी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, और एक अच्छी प्लानिंग वो की जाती है जब एक नेशनल टीम होती है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चहल का जो जादू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पहले 2 मैचेस में नहीं हुआ है। पिछले मैच में तो उनको 2 ही ओवर कराए गए, तो मुझे लगता है कि वहाँ शायद गलती हुई कप्तान ऋषभ पंत से, लेकिन इस मैच में उन्होंने 4 ओवर डाले, लेकिन थोड़े वो महंगे साबित हुए। तो जी ठीक है, राजकुमार सर आप बने रहिए हमारे साथ, सबा सर आप भी बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत लगातार दूसरा मैच हारा। पहले मैच में गेंदबाजी फेल हुई तो दूसरे T20 में बल्लेबाजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद टीम इंडिया के लिए मैच में कुछ ज्यादा बचा नहीं था।
तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, दूसरा मैच भी भारत हार गया। अगर इस साल की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो भारत का प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा। 7 बार हार मिली है, एक भी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत नहीं जीत पाया। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सबा करीम, आपसे सर समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने अगर हम दिल्ली की बल्लेबाजी देखें तो यहाँ फिर भी जो रन है वो 200+ बने थे, लेकिन आज 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई टीम। देखिए, यही तो चुनौतियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, क्योंकि हर एक मैदान, हर एक जो विकेट होता है उसका बिहेवियर अलग होता है। दिल्ली का जो विकेट था वो सपाट था, वहाँ बल्लेबाजी करना आसान था, इसी वजह से हमारी यंग टीम ने, यंग बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की। आज की चुनौती कुछ अलग प्रकार की थी, विकेट थोड़ा फंस कर आ रही थी, गेंदें जो हैं ऊपर नीचे हो रही थी, और इस पर आकर खुलकर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है टीमों को अगर आपको पहले बल्लेबाजी करनी हो इस तरह के विकेटों पे, तो क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, क्या पास स्कोर होगा। तो ये परेशानी थी आज भारतीय बल्लेबाजों के साथ, पर उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि जब आपको मौका मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, तो इसी प्रकार की चुनौतियों को आपको सामना करना होगा और आपकी प्लानिंग और अच्छी होनी होगी। अब ऋषभ पंत ने एक बार फिर से अपने आप को प्रमोट किया, नंबर 4 पर आए, और मुझे धीरे धीरे अब ये लगने लगा है कि ऋषभ पंत की जगह नंबर 4 पर नहीं है भारतीय टीम में, उनकी जगह अगर बनती है तो नंबर 5 पर बनती है। तो वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन राहुल द्रविड़ को करने पड़ेंगे या फिर कप्तान को सोचना होगा। तो इस तरह के परिवर्तन अगर आप करेंगे कम से कम स्ट्रैटेजी में, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर हम बल्लेबाजी देखें तो ऊपर में ईशान किशन ने कुछ 30-35 रन बनाए और अंत में आकर आखिरी ओवरों में दिनेश कार्तिक ने रन बनाए। तो अगर अगर सिर्फ 2 बल्लेबाज आपके T20 मैच में रन बना रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आप संघर्ष कर रहे हैं और आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा आपने किया नहीं। लेकिन राजकुमार सर, आप ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि किस तरह से वो अपना विकेट थ्रो करके चले गए हमने देखा। बाकी अगर हम टीम की बात करें तो फिर भी एक ये कहा जा सकता है कि वो जेन्युइन आउट हुए, लेकिन थ्रो करके जाना जिम्मेदारी कब आखिरकार ऋषभ पंत समझेंगे? बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अनन्या फिर एंड ऑफ द डे यही कहा जाता है कि यही उनका स्टाइल है खेलने का। लेकिन अब यहाँ पर ऋषभ पंत को सोचना होगा कि वो कप्तान है, उन्हें थोड़ी और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। आप नया बॉलर आ रहा है, पहली बॉल ही आप स्टेप आउट करते हैं और वो वाइड बॉल फेंकता है और आप उसको मार के आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारा शॉट है। और आप एज ए कैप्टन आपको सोचना होगा कि आप इस तरह के शॉट नहीं खेलें और थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाएं बल्लेबाजी में। सबा करीम सर, आप कैसे देखते हैं, क्या ये स्टाइल है या स्टाइल कहते कहते बचना इसको कहा जाए, क्योंकि दिल्ली में भी वो जब खेले अपनी टीम के लिए तो इसी तरह से वो आउट हुए। ये स्टाइल इसी तरह कंटिन्यू रहा तो फिर आपका करियर, आपका फ्यूचर क्या है? देखिए, स्टाइल अलग बात है, पर बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप सिचुएशन के मुताबिक बल्लेबाजी करें और जिम्मेदारी के साथ आप बल्लेबाजी करें, तभी आपका करियर भी लंबा होगा, तभी आपको लोग जानेंगे भी। एक नेचुरल स्ट्रोक पे तो मैं समझता हूँ, पर उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपको शॉट सिलेक्शन उचित होना चाहिए, जो कि आज के इस मैच में ऋषभ पंत द्वारा देखने को मिला नहीं। और उसके साथ साथ अगर आप कप्तानी कर रहे हैं तो और आपको सावधानी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, जो कि आज के इस मैच में देखने को मिली नहीं। जहाँ पर विकेट कठिन है वहाँ पर तो उस तरह के फेजेस से आपको निकलना होगा। आप दूसरी तरफ देखें, बबूमा और क्लासन ने क्या किया, जब विकेट कठिन था तो उन्होंने प्रयास किया कि विकेट को बचा के रखें, उसके बाद जब थोड़े बहुत उन्होंने वक्त गुजार दिया विकेट के ऊपर, उसके बाद उन्होंने प्रभावशाली शॉट लगाए। तो कुछ इसी प्रकार की प्लानिंग आपको करनी होगी। अगर आप यही सोचेंगे कि हर बार मैं जाके बस पहली गेंद से ही मारने लगूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी तगड़ी होती है, उनकी अपनी प्लानिंग होती है, उस हिसाब से होमवर्क करके आते हैं आपको गेंदबाजी करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, तभी आप शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे अपने टीम के लिए। लेकिन राजकुमार सर, क्या सीनियर खिलाड़ियों की जो कमी है वो यहाँ पर फील हो रही है आपको, और चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, आराम देना क्या सही फैसला था इस परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, देखिए, पिछले मैच में तो शायद कमी नहीं खली, जब भारत ने 200 रन बना दिए तो सबको ये लगा कि शायद यही एक बेटर टीम है, ये यंग टीम खेलनी चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा शायद सब लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि जब एक क्वालिटी अटैक आएगा या जब बड़ा प्लेटफॉर्म होगा तो वहाँ पे हमें अपने दिग्गज प्लेयरों की ज़रूरत पड़ेगी, भले वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या बुमराह हो। तो मेरा मानना है कि अभी हमें उन प्लेयरों की ज़रूरत है, और हमारे पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर हमारे पास शानदार खिलाड़ी हैं तो हमें उन्हें कंटिन्यू करना होगा।
और आज शायद कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खली है भारतीय टीम को। बिल्कुल, लेकिन सभा सर आपको क्या लगता है आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि 2 मैच तो हार चुके हैं, 5 में तीसरा भी हारे तो सीरीज हार जाएंगे, लेकिन 3 मैच को लेकर प्लानिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, जहां तक मेरी सोच है कि राहुल द्रविड़ का ये मानना है कि जो प्लेयर्स है उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने आज के मैच में कोई परिवर्तन किया नहीं, कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिला नहीं। पर अब चूंकि सीरीज दांव पे है तो मुझे लगता है एक दो परिवर्तन आपको करने होंगे। स्पिनर्स की हम बात करें, पिछले दोनों मैचेस में स्पिनर्स ने हमारे अपने अपने कोटा के ओवर्स डाले नहीं है। इसका मतलब यही है कि दक्षिण अफ्रीका को पता है कि स्पिनर्स के विरुद्ध किस प्रकार के शॉट्स खेलने हैं, और वो हमेशा से हावी रहे हैं दोनों स्पिनर्स के विरुद्ध। और एक प्रकार की सेमनेस है इस स्पिनिंग अटैक में, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर यूजी चहल में, तो वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक चेंज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि अब जरूरत ये भी है कि आप अपने पेस बॉलिंग में एक दो परिवर्तन करें, और मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि भारतीय टीम जो है वो उमरान मलिक को खिलाए, उनको अनलीश करे, क्योंकि अंत में अगर आप आज भी देखेंगे तो नौके और रबाडा की गति ने परेशान किया, शॉर्ट डिलीवरी जब भी उन्होंने डाली भारतीय ठीक है। बल्लेबाजों को परेशानी हुई, तो अगर उमरान मलिक आपके पास है, उनके पास गति है, तो उनको खिलाना बनता है। चलिए सबा करीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान हमसे बातचीत करने के लिए, साथ ही राजकुमार सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही है कि जो कप्तान है वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो आने वाली अगर हम 3 मैचेस की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शन अच्छा हमें देखने को जरूर मिलेगा।